नमस्ते, लल्लनटॉप की टीम है हम, नाम है मोती और इस वक्त हम हैं जलगांव में। महाराष्ट्र इलेक्शन कवरेज के लिए निकले हैं और जो अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं वहाँ की जो स्पेशलिटी है, जो ख़ास बात है, उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो अभी हमने जलगांव सोने के लिए बहुत फेमस है, इसको गोल्डन सिटी कहते हैं, स्वर्ण नगरी है ना। काफ़ी कारोबार है यहाँ पर सोने का, बड़ा सराफा बाज़ार है और ये है व्यस्त सीज़न क्योंकि दिवाली बिल्कुल करीब आ गई है। दिवाली का टाइम सोने की बिक्री के लिहाज से काफ़ी व्यस्त समय माना जाता है। तो हम गए थे दुकानों में, हमने पूछा जलगांव के सोने की खासियत, तमाम चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, बहुत सारी बातें पूछी। अब हम यहाँ आए हैं कारीगरों के पास, जहाँ काम बनता है, जो गहने होते हैं जो आप खरीदते हैं वो जिन वर्कशॉप्स में बनता है, उन वर्कशॉप्स में हम आए हैं। यहाँ वो वाली चमक दमक तो नहीं है जो दुकानों वाली है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है प्लेन खालिस काम। तो हम इनसे पूछने आए हैं, आपको दिखाने आए हैं कि सोने के गहने कैसे बनते हैं, वो हम आप मतलब फर्स्ट हैंड खुद ही देख लीजिए। अच्छा, यहाँ हम जहाँ आए हैं वो एक शर्मा जी हैं, हम उनके पीछे खड़े हैं, शर्मा जी और शर्मा जी के बेटे है ना, और शर्मा जी का लड़का, बहुत फेमस है ये लाइन भारत में। तो अभी तो शर्मा जी हैं, शर्मा जी के बेटे हैं और इनकी खासियत है ये इनके अपनी खुद भी ज्वेलर्स हैं, गहने की दुकान है, और इसके अलावा ये बड़े जो सप्लायर हैं, बड़े बड़े जो वो हैं शोरूम्स हैं, ज्वेलर्स की दुकान है, उनको बना के सप्लाई करते हैं। और इनकी खासियत है मंगलसूत्र है ना, तो और यहाँ पे ये सारे कारीगर बना रहे हैं मंगलसूत्र। ठीक है, तो हमको थोड़ा बताइए, अपना नाम बताइए पहले। पीयूष, पिताजी बात करेंगे कि बेटे बात करेंगे? बात कर लेंगे, दोनों से बात कर लेंगे, पहले बेटे से बात कर लेते हैं। हाँ, आप बताइए कि अपने काम के बारे में, ये जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, क्या अलग एक ही मंगलसूत्र के अलग अलग हिस्सों पे काम कर रहे हैं या सब अपना सेपरेट बना रहे हैं? नहीं, सबको अलग अलग काम दिया गया है। मंगलसूत्र में बहुत अलग अलग वैरायटीज होते हैं, तो अब ये जैसे आप देख रहे हो तो ये मंगलसूत्र का एक छोटा सा पीस है और वो चेन बन रहा है। अच्छा, एक ही मंगलसूत्र के अलग अलग हिस्से, मतलब अलग अलग हिस्से बन रहे हैं। अच्छा, एक जैसे अब ये आप मंगलसूत्र देख रहे हो, ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हो, ये चेन है जो वो बन रहा है, सोल्डर हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, जॉइंट हो रहा है वो जी, जी। ये चेन है, ये हिस्सा जो है ये ब्लैक बीड्स का होता है, जो मंगलसूत्र में सुहाग की निशानी बोली जाती है। अच्छा, अच्छा। ब्लैक बीड्स जो है महाराष्ट्र में प्रॉपर, वो सुहाग की निशानी बोली जाती है, तो ये वो ब्लैक बीड्स की केस बन रही है। अच्छा, और ये जो बन रहा है ये पीस बन रहा है, छोटा पीस। अब इस पीस में वैरायटी ऑफ थिंग्स होता है, जैसे मीना वर्क होता है, स्टोन वर्क होता है, तो बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती है, और एट लास्ट ये जब होने के बाद में ये पूरा एक मंगलसूत्र असेंबल किया जाता है। अच्छा, ये पूरा एक मंगलसूत्र, जैसे ये पीस असेंबल हो रहा है, ये जोड़ के ये ऐसे ही ब्लैक, इस पर पूरा मंगलसूत्र असेंबल किया जाता है, पूरा जॉइंट किया जाता है, तो इस तरह ये पूरा मंगलसूत्र था। और एट लास्ट ये सब असेंबल होने के बाद में फिर आता है फिनिशिंग स्टेज, जिसमें इसका कलर और इसका ग्लेज जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, हाँ हाँ, वो एक अलग जगह होता है। वो सब भी पूछेंगे, ये क्या काम की चीज है? ये सोना है। अच्छा, ये राई के दाने जिससे भी छोटा, ये सोना है, विदाउट फिनिश्ड है। अच्छा, ये ब्लैक दिख रहा है, ये देखिए सोने के राई के दाने, रेजी बोला जाता है इसको, रेजी। अच्छा, अब ये जो ये देखिए, ये बारीक काम हुआ है, ये कहाँ खपा हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको अंदर? ओहो, ये जरा दिखाइए, ये देखिए, ये इसमें, ये देखिए, ये वाला जो ब्लैक है। अच्छा, ये एक ऐसे उठाएंगे, हल्के से उठाइए, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये रेजी। अच्छा, है इसके अंदर वो भरे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये एज पर डिजाइन वो अलग जगह यूज हुआ, मतलब होता है। हम बात कर सकते हैं कारीगर से? अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रदीप दलई। प्रदीप दुलत दलई। कहाँ के रहने वाले हैं प्रदीप आप? वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल, बंगाल में कहाँ के? बंगाल का, कलकत्ता। कलकत्ता से? तो आपके परिवार में पहले भी कोई, ये क्या जहाँ पे मैं बैठी हूँ क्या है? ओह, पाइप पे बैठी हूँ मैं, उधर हो जाती हूँ, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। हाँ प्रदीप जी, आप अपने परिवार में पहले इंसान है जो ये काम कर रहे हैं या आपके पिताजी उनके पहले भी यही काम करते हैं? पहले भी यही काम करते थे। सारा पूरा
परिवार खानदानी मतलब काम है? खानदानी नहीं है, लेकिन अच्छा भाईया काम करते हैं, बड़े भाईया काम करते। थोड़ा शर्मा रहे हैं बात करने में। हाँ, उनसे नहीं, हम शर्माने वालों से भी थोड़ी थोड़ी बुलवा लेते हैं, तो हम इनसे भी बुलवाएंगे। तो आप वहाँ से यहाँ काम करने आए हैं? अच्छा, कैसे पता चला कि मतलब यहाँ आए? मतलब पहले नौ, जैसे हम लोग यहाँ क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर होता है, हैं, तो हमें पता चलता है कि फलानी जगह हम पहले अप्लाई करते हैं या कोई भी बुलावा आता है, फिर अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि हाँ भाई फलानी जगह नौकरी लग गई। तो आपकी नौकरी यहाँ कैसे लगी? काम की तलाश में घर से झोला उठा के आ गए और फिर यहाँ काम ढूँढा या कैसे? ऐसा नहीं है, हमारा जो गारंटी रहते हैं, मैंने दूसरे के साथ आते हैं हम लोग काम करने के लिए, हमका जरूरत इसलिए कोई दूसरे लेके आते हैं। तो पहले उसको काम सिखाया, जो हम आते हैं आपके पास, आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, रेफरेंस अंदर आ जाऊँ? अच्छा अच्छा, हाँ क्या बता रहे थे, कैसे होती है ये तलाश? पहले जब एक मतलब छोकरा आता है जब, तो एकदम काम ना सीखने वाला, उसको हम सिखाते हैं पहले, फिर काम सिखाने के बाद उसको आप फिर काम देते हैं तैयार करने के लिए। ठीक है, गांव गांव जाके लड़के इकट्ठा करते हैं? हाँ करते हैं ना, उधर हमारा जो है ना उधर ज़्यादातर इस काम में जुड़े हुए हैं, जिसका हर घर में चाहे तो एक दो ऐसे मतलब लड़के निकलते हैं, जैसे सोनारी काम करने वाला, इसमें ही सब रोजी रोटी मतलब उधर ही चलते हैं हम गांव से, फिर पैसे भेजते हैं इधर से कमा के, फिर ऐसे घर चलता है, ऐसे भी है। आप कहाँ के हैं? हम मिदनापुर के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। ये हम क्या आप बता रहे थे, आपके पिताजी बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल के ज़्यादातर जो है कारीगर वो पश्चिम बंगाल से आते हैं? हाँ, सब वेस्ट बंगाल, मिदनापुर और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा कारीगर है। अच्छा। उधर से आते, हुबली, मिदनापुर और कौन से, दोनों तीनों जगह से ये कारीगर ज़्यादा इधर आते हैं। इसकी कोई वजह है क्या खास? नहीं, मतलब पश्चिम बंगाल के ज़्यादा कारीगर हैं? ये तो उनका पुराना पेशा है ना, कारीगरी तो उनका पुराना खानदानी बिजनेस ही है ना, ये तो बचपनों से छोटे रहते जब से सीखते ट्रेन हो जाते उस लाइन में, आगे वो पीढ़ी चलती रहती है। अच्छा। अभी कैसा, अभी ये छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 10-15 साल के हो गए तो उनको ये काम सिखाया जाता है 2-3 साल, फिर ट्रेन हो जाते, फिर कारीगर बन जाते, फिर उनका एक रोजगार चालू हो जाता है, उनका पगार ये वो कमाते हैं। ये अलग तरीके का एक स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये अच्छा। थोड़ा बहुत गांव में पैसा भेजते हैं और साल में 6 महीने में एक बार गाँव में भी जाते हैं 8-15 दिन के लिए, फिर वापस आते। तो अभी तो दिवाली का टाइम है, अभी तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी, क्यों? नहीं नहीं, अभी पहले जैसा नहीं है मैडम, पहले बहुत फुल काम रहता था, नाइट फुल डे काम, अभी उतना नहीं है। क्यों? अभी ये भाव की वजह से हो गया ना, भाव बहुत बढ़ गए, भाव सोने का भाव बढ़ जाने की वजह से हो गया, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी GST वगैरह ये सब टैक्सेस विक्सेस वजह से, और GST से मंदी आई आपके? हाँ, GST कारण है, GST भी कारण है, और सोना तेज होने से भाव बढ़ने से भी तो फर्क पड़ता है ना, लोगों का साइकोलॉजी नहीं हो रहा है GST में कन्वर्ट होने के लिए, लोगों का साइकोलॉजी नहीं है एक्चुअली। बिजनेस डेवलपमेंट जो देखेंगे GST आने के बाद प्रॉपर फॉर्मेट में हो रहा है, जो ट्रेडिशनल तरीका था वो कॉरपोरेट तरीके में कन्वर्ट हो रहा है, बट बोलते हैं ना कुछ चीज़ों में, अभी जैसे मैं हूँ और अपन अपने फोर फादर्स को देखेंगे, अगर उनको डेबिट कार्ड दोगे तो उनको काफ़ी दिक्कत आ गई, मतलब एक्चुअली यूज़ में इजी है लेकिन वो हिचकिचाते हैं, घबराते हैं वो चीज़ में, तो वो मेन बेसिक प्रॉब्लम आ चुका है GST के बाद में, लोग कन्वर्ट नहीं होता है। अपने लेवल के जो कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर अगली जो चेन है GST पूरा चेन क्रिएट कर रहा है, तो फिर कारीगर को उस चीज़ में कन्वर्ट करना, उसका बेनिफिट बताना, फिर अकाउंटेंट के पास जाना, तो वो चीज़ हिचकिचाते हैं लोग। क्या आपको लगता है, क्या मतलब है कि इसके लिए एक अलग किस्म का सीखने की ज़रूरत है और लोगों को दिक्कत हो रही है उसको इस्तेमाल करने में, या क्या हो रहा है? ये लोग कभी वो चीज़ में आगे बढ़े ही नहीं है, जैसे अकाउंट कभी इन बैंक में जाने का काम नहीं गिरा था कभी कोई चीज़ का, अभी बैंकिंग से सब ट्रांजैक्शंस होते हैं, पहले लेबर ऐसे कैश दिया जाता था, तो वो चीज़
एजुकेशन के वजह से बोलो, कॉम्प्लिकेशन एक मेंटेलिटी बोलो और एजुकेशन बोलो, ये चीज़ के वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है ये चीज़ में। अच्छा, फ़र्क पड़ा है। और इसकी मतलब आपको लगता है सराफा व्यापार में एक मंदी का एक तो रीज़न ये है कि सोने के दाम उछल गए हैं? तो जो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में बैठता है। हाँ, लोग मतलब अपनी सब काम होने के बाद इंसान गोल्ड के पास डाइवर्ट होता है। हाँ। कुछ गोल्ड आप अपने ऊपर से लीजिए, आप गोल्ड कब परचेस करोगे? जब एक्सेस अमाउंट कुछ बचा रहेगा तो यार चलो ये कुछ ले लेते हैं। रोज की जो जिंदगी है और यूथ जो है वो मोस्टली लग्जरियस गुड्स के तरफ ज्यादा मुड़ चुका है। लाइक मतलब आज यूटिलाइज करो चीज, आज यूटिलाइज करो और ख़त्म करके खुला करो। गोल्ड एक फोर फादर्स जो थे अपने, जिन्होंने गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते थे, आज आज वो साइकोलॉजी नहीं है। गोल्ड का रेट आज ठीक है, ग्रोथ हो रही है, आज पीक रेट है गोल्ड का तो समथिंग 40,000 अप्रॉक्स पहुंच चुका है। लेकिन एक टाइम था जब मैं सिक्स सेवन्थ में था तब गोल्ड का रेट 6,600 था, आज वो 40,000 तक पहुंचा और आगे बढ़ेगा। आपको छठी वाला रेट याद है? मुझे वो जब पापा खुद कारीगरी करते थे तब पापा कारीगरी करते थे, आज पापा बिजनेस ओन कर रहे हैं। अच्छा, आपके पिताजी उस वक्त खुद कारीगर हुआ करते थे? अरे वाह, ये तो बड़ी तरक्की है। पापा खुद कारीगरी कर चुके हैं तो वो एक ध्यान रहता है कि 6,000-7,000 वो रेट जब बात करते थे तो समझ आता था। तो अभी जैसे वो टाइम से ये टाइम तक रेट बढ़ा है, आगे और रेट बढ़ेगा। बस वो एक बोलते हैं ना, मानसिकता बदल चुका है लोगों का, आज जो है आज कर लो। हमको अपने जैसे हम लोग होते हैं, हमको पता है बाकी हर चीज़ का अलग अलग अपने औजारों का नाम होता है, थोड़ा औजारों के नाम बताएंगे क्या 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 लग रहा है? जैसे यहाँ चीज़ है, ये भी है, यहाँ पे कुछ ये है, ये सोना काटने का कैंची क्या है? ये सोना काटता है? हाँ, इससे सोना कटता है। पहले वो एक किलो का आते हैं ना सोना, कैडबरी जैसे। हाँ। तो कैडबरी आते, उसको हम काट के, हमने फिल्मों में देखा है। हाँ, कि हाँ, हाँ। एक ब्रीफकेस होता है, ब्रीफकेस में बहुत सारे सोने के बिस्किट होते हैं। हाँ, ऐसा उसको चोरी लेके कुछ तो स्मगलिंग हो रही होती है, बस वही देखा है हमने। वैसे आपके पास आता है ब्रीफकेस? नहीं, ब्रीफकेस में नहीं आती है, बाकी वो एक किलो का जो कैडबरी आती है ना वो आती है। कैडबरी नाम है उसका? हाँ, कैडबरी बोलते हैं। 100 किलो की जो आती है ना उसको कैडबरी बोलते हैं। अच्छा। और जो 100 ग्राम का आता है उसको बिस्कुट बोलते हैं। 100 ग्राम वाला बिस्कुट हुआ और 1 किलो वाला। आपके पास कैडबरी भी आता है बिस्कुट? जो व्यापारी व्यापारी के पास जो अवेलेबल रहता है, बिस्कुट रहा तो बिस्कुट, कैडबरी रहा तो कैडबरी, जो भी अवेलेबल होगा। दोनों की प्योरिटी एक ही रहती है, वजन साइज अलग होता है, 100 ग्राम का होता है और 1 किलो का होता है। कोई बिस्किट है क्या अभी? बिस्कुट है, अभी तो गला दिया। गला, शिट, अभी थी मैंने सोचा एक असली मौका आया है सोने का बिस्किट हाथ में लेके देखने का, वो भी छिन गया, नहीं देख पाऊंगी मैं। कैडबरी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो फिर वो भट्टी है, वो भट्टी में बाद ये फर्नेस है, ये इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इसमें सोना पिघलता है? इसमें सोना पिघलता है, ये पूरा गर्म होता है टेम्परेचर। ये क्या है? ये कॉइल है, इसके अंदर कॉइल होता है। कॉइल हम तो वो जानते हैं जो मच्छर भगाने वाला कॉइल होता है। एक दो मिनट, हमको एक ही कॉइल मालूम है, वो मच्छर भगाने वाला कॉइल। फर्नेस का कॉइल है। अच्छा, ये मूस है, मूस बोलता है इसको, मूस। हमारे यहाँ मूस चूहे को बोलते हैं। वो माउस होता है? नहीं, मूस ही बोलते हैं मैथिली में। सोना गलाने के लिए यूज करते हैं। इसके अंदर आपने छोटा पीस काट दिया, सोने के छोटे छोटे टुकड़े डाल के इसको इस भट्टी में रखा जाता है और इसका टेम्परेचर दिया जाता है। कितने टेम्परेचर पे सोना पिघलता है? 1160 डिग्री सोने का पानी हो जाता है। हाँ, पूरा पानी हो जाता है, फिर इसके अंदर वो डाला जाता है, इस रेज डाली में। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको ढालनी, ढालनी बोलते हैं इसको, ढालनी। रेजी वो यहाँ से पिघला और फिर ऐसे डाल दिया। क्या करते हैं ऐसा, इस ढंग से जो रहता है ना। हाँ? इसमें ऐसा निकाल के। हाँ? और इसमें ऐसा जिस साइज का अपने को डालने का है। हाँ? उस साइज के इसमें डाल के उसको लगड़ तैयार होती है, लगड़ी बोलते हैं उसको। हाँ? वो तैयार होती है, फिर वो तैयार होने के बाद वो कारागिर को बांट दिया जाता है टुकड़े करके। अच्छा, वो निकल जाता है फिर, जैसे बर्फी जमाने के लिए थाली में तेल लगाते हैं बर्फी। अच्छा, वो तुरंत जम गया। जम गया। हाँ। फिर उसको जमने के बाद निकाल के। हाँ।
उसके छोटे छोटे टुकड़े कारीगर को बांट दिया जाता है काम के हिसाब से। आपको पता होता है कि आपने किस कारीगर को कितना दिया? हाँ, वो सब डायरी पे लिखा जाता है और हर एक कारीगर को उसके टुकड़े काम के हिसाब से बांट दिया जाता है, 50 ग्राम 100 ग्राम, तो हर कारीगर को अलग अलग काम दिया जाता है। फिर उसमें कटाई अपना करके अपने हिसाब से। हाँ, उसमें फिर वो डाई की कटाई करेगा, चेन बनाने को देगा और हाथ का जो काम है उसके लिए रखेगा। अच्छा, तो आप दोस्त ये बताओगे ये सब क्या है, ये कैसे इस्तेमाल होता है? ये तो मैडम ये चिमटा है, चिमटा इसको ये सब ये जो पीस रहते ना ये सजाने के लिए यूज करते, इसको पकड़ के ये बारीक टोक से, इसमें ये सब छोटे छोटे पीस है, ये बारीक भगर के दाने के जैसी है रेजी। मेरे को दिख रहा, मैं चश्मा पहन रखा है फिर भी ना दिख रहा। अच्छा, हाँ ये रेडी पीस है। हाँ हाँ, सब कारागिर को है ना काम बांट दिया जाता है। हाँ, सबको अलग अलग एक काम, करीब करीब 10-15 कारागिर के हाथ से निकलता है जब फिनिश होता है। और एक मंगलसूत्र बनने में कितना टाइम लगता है? टाइम तो अभी ऐसा है, फिनिश दो दिन, स्टार्ट टू एंड दो दिन। स्टार्ट टू ओजन के हिसाब से लगता है, कभी अगर बड़ा बड़ा मंगलसूत्र रहा ना 50-60 ग्राम, उसमें 3-4 दिन लग जाता है एक मंगलसूत्र में। अगर ऐसे छोटा रहा ना तो ये 2 दिन में बन के तैयार हो जाती है। ये 2 दिन की मेहनत है? हाँ। अच्छा, क्योंकि बड़ा वाला हमने बड़ा दुकानों में देख, दुकान यहाँ तक का था मोटा मोटा, अच्छा। तो उसके लिए 3-4 दिन टाइम लगती है, क्योंकि 50-60 ग्राम के ओजन के हिसाब से उसमें मेहनत ज़्यादा रहती है। हाँ, डर नहीं लगता है कि मतलब अंदर सोना है, बाहर सबको खबर है कि अंदर सोना है तो नहीं, वैसा डर कुछ नहीं, डर है, नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, हमने देखा बाहर, हम दिखाएंगे, सीसीटीवी कैमरे की वार्निंग लगी थी कि, और वहाँ पे फोटो में 2 आंखें लगाई हुई हैं, एक तस्वीर खींची है और 2 आंखें आपको देख रही होंगी, वो क्या है? वो तो है, किसकी कारीगरी है? इंडियन बिलीफ है, नजर ना लगे जो ऐसा लगा, वो नजर ना लगने वाला है, वो इंडियन बिलीफ है और कुछ नहीं, उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, वो अपना अपना ट्रेडिशन है तो वो तरीके से लगवा दिया। टोटल कितने कारीगर काम करते हैं आपके यहाँ? कारीगर तो 25-30 है, पर अभी बहुत से कारीगर तो गांव को गए, छुट्टी में गए क्या? छुट्टी नहीं, काम कम होने से वो चले गए, अभी काम इतना काम नहीं मिल रहा है तो वो काम इतना नहीं है ना, सैलराइड बिजनेस नहीं है, जॉब वर्क बेसिस पे काम होता है, और ऑर्डर आया जितना ऑर्डर आया उसके हिसाब से, तो मतलब कोई फिक्स नहीं है कि मंथली सैलरी देना है। काम रहेगा तो कारीगर लोग रुकेंगे, और नहीं रहा तो फिर अपने गांव में हर किसी का अपना थोड़ा थोड़ा खेती होता है, तो फिर वो कुछ टाइम वहां पर काम कर। ये नॉर्मल है क्या कि वो चले जाएं इतने? हाँ, सारे कारीगर जाते हैं, कारीगर जाते हैं, फिर सीजन बढ़ता है तो कुछ कारीगर आ जाते हैं, पर अभी नहीं जाते हैं, एक साथ में इतने कारीगर कभी नहीं जाते। अभी 30 कारीगर में से कितने कारीगर अभी काम कर रहे हैं? टोटल मेरे पास 10 कारीगर, 8-10 कारीगर छुट्टी चले गए। हाँ, तो डिमांड नहीं आ रही है, काम नहीं है, नहीं तो इतने कारीगर नहीं जाते, 2-2 कारीगर जाते हैं, एक साथ में 2 जाएंगे, फिर वो आने के बाद फिर दूसरे 2 जाएंगे, ऐसा आना जाना चालू रहता है, जैसे किसी भी दफ्तर में होता है, मैन पावर मेंटेन करके रखा जाता है। हाँ, एक साथ में नहीं, अभी क्या हो गया, अभी काम नहीं होने से बहुत से कारीगर चले गए। अब पिछली दिवाली का हमको हाल बताइए, या उसके पिछली दिवाली और तुलना करके बताइए। पिछला सीजन तो बहुत बढ़िया था, गए साल बहुत काम था, काम का बहुत डिमांड था, उठाव भी था, कस्टमर भी थे, ये साल कम रेट, कम थे ना रेट, ऑलमोस्ट 34 के आसपास में रेट था, 33-34 के आसपास में रेट था लास्ट ईयर में, और आप ऐसे देखा जाए तो 20% का हाइप हो गया रेट में। जलगांव में इतनी बड़ी सराफा व्यापार है, तो कुल कितने लोगों की रोजी रोटी इस धंधे से जुड़ी हुई होगी? मोर देन बाकी टोटल 20 कारीगर मिला के, वो कारीगर अलग हुए और जो वैसे बाकी 20-21 हज़ार के आसपास, 20-25 हज़ार जलगांव में कारीगर है जिनकी रोजी रोटी वो बाहर से आए हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। बंगाली जो कारीगर है उसमें 5-7 हज़ार बंगाली कारीगर है। हाँ, अच्छा, बंगाली कारीगर ही 5-7 हज़ार है उसमें, बाकी तो सब हमने जुड़े हुए है, मारवाड़ी है, सब वे सब मिल के बैठ के हम सर्वे वचन बनाते हैं। और बाकी कितनी दुकानें होंगी ज्वेलरी की, कितनी दुकान, जैसे हम गए कुछ मेन मार्केट में दुकानें हैं, आपका ये अलग बसाहट में अंदर कॉलोनी में आके आपका आपके घर के अंदर आपका पूरा वर्कशॉप है और दुकान भी है आपकी, है ना? तो ऐसे मतलब उसमें कितने हैं, कितनी दुकानें होंगी इस टाइप की पूरे जलगांव में?
ऐसे शोरूम तो करीब करीब दो ढाई सौ शोरूम है रिटेलर में, और कारागिर के वर्कशॉप तो बहुत है, करीब करीब 15-20 हज़ार कारागिर के ऐसे वर्कशॉप है, जिसके कोई के पास चार कारागिर है, कोई के पास दो है, कोई के पास 15-20, ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत जगह पे है कारखाने डाल के रखा है। अच्छा, आपके यहाँ मंगलसूत्र बनता है? घर की औरतों को तो लगता होगा जैसे मेरे यहाँ टमाटर उगे तो कहेंगे अरे अपने खेत में टमाटर है, टमाटर तोड़ के लाओ सब्जी में डाल दो, तो आपके यहाँ अपने घर से भी डिमांड आती है? कुछ खास फरमाइश करती है? कोई नई डिजाइन आती है तो थोड़े दिन यूज कर लेते हैं, नया नया वो तो हर टाइम बदलते रहती है डिजाइन तो। अच्छा अच्छा, एक बनाया अच्छा लगा, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए, मैं आंटी ने कोई पार्टी में गई, आंटी ने अपने घर का बनाया हुआ पहन लिया, वहाँ लोगों को दिखाया, फिर आई और अंकल ने उसको सप्लाई कर दिया, बेच दिया, ऐसा हो रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्या रहता है लेडीज की हॉबी ऐसी है, उनको कोई भी नया चीज बताओ बस थोड़े दिन तो पहनने दो। शादी हुई कि बेटे की? हो गई ना अभी 6 महीने हो गए। अच्छा, दोनों में से? अच्छा, तो यही से चल रहा है मतलब यहाँ से? या आपकी शादी का मंगलसूत्र गया था क्या? यहीं से बनवाया था ना वो? हाँ, तो अपने यहाँ से बना था, अपने घर का बना है, ऐसे तरीके से बनवाया है। अपने कुछ खास डिजाइन की फरमाइश आई थी? नहीं, डिजाइन की फरमाइश नहीं आई थी, फैशन देख के। और बिजनेस में आप हो तो भाई अपने, आपको बहुत सब कुछ आपको ही पता है, आप अपने तरीके से बनवा लो। हमने सुना है कि जो सोने का थोड़ा अपने घर में खपत होती है तो बड़ा हाथ रोक के देते होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, अपने घर की खेती है, सोना इतना जमा रखा। अरे लेडीज को तो जितना दो उतना ही कम है, देख लीजिए मेरे लड़की के सामने बोल रहे हैं, उनको तो सोना का तो कोई भी चीज बताओ बस पसंद पड़ जाता है। पसंद नहीं सोना, रंग ही नहीं अच्छा लगता। यही तो बिजनेस स्लो हो रहा है हमारा, आज का यूथ को पसंद नहीं आता है, आप स्लो कर देते हो हम लोग का रोटेशन। चांदी अच्छी लगती है थोड़ी बहुत, जो भी पसंद जाता है। मैं आपको बताया ना, जैसे साइकोलॉजी चेंज हो गया यूथ का, पहले जैसा नहीं रहा कि पहले जो आप आज गांव में जाते हो तो देखते थे चांदी के बड़े बड़े कड़े यूज़ करते थे, जो बुजुर्ग लोग आज भी यूज़ करते हैं सोने के बड़े झुमके, जो ट्रेडिशनल आप देखने जाओ तो बहुत, आज जो चलता है वो एथनिक वेयर चलता है, जो छोटा डायमंड और ये चीज़ में ज़्यादा ध्यान चले गया, तो जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो काफ़ी कम हो गया और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर बहुत पड़ा है। मैं मेरी माँ जब भी ऐसे हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे या अभी भी जाते हैं, मेरी माँ को सबसे बड़ी चिंता रहती है, मैं उनके लिए एक शर्मिंदगी का कारण होती हूँ, कहती हूँ ये लड़ थोड़ा कान में पहन लो, लोग क्या कहें, मैं कहती हूँ नहीं पहनना, माँ कहती है लोग सोचेंगे इन्होंने अपनी बेटी को कान में एक छोटा झुमका एक छोटा टॉप्स नहीं दिया, मतलब ये देखिए ये सोने का जो साइकोलॉजी है वो इसको बताता है कि आप खाते पीते घर के हैं ठीक है, मतलब गरीब नहीं है, और गरीब होना शर्मिंदगी की बात मानी जाएगी ना आपके लिए, अपने आपको तो प्रेजेंट करता है तो आपके कान में होना चाहिए, कुछ खाली नहीं होना चाहिए, कुछ गले में पहन लिया है ना, तो ये था, हमने देखा कैसे बनती हैं चीज़ें, तो ये सारे कारीगर थे, ये वर्कशॉप था, तो चलिए साइकिल पूरा हुआ, थोड़ा जाना सोने के बारे में और बनते हुए भी देख लिया अपन ने, अब अपन बढ़ते हैं आगे है ना, उसके पहले आप करेंगे अपन खुद का भी प्रचार है ना, ये रहा मर्चेंडाइज अपना टी शर्ट, जो लड़े दीन के हित यानी जो कमज़ोरों के लिए लड़ सके, असली ताकत उसमें होती है, उसको मानते हैं असली ताकतवर है ना, तो मीडिया का काम भी तो यही है ना, ऐसे ना केवल सच्चाई दिखाना बल्कि कमज़ोरों की आवाज़ जो अपने लिए नहीं बोल सकते उनके लिए ब्रिज का काम करना। हम अपना काम बखूबी समझते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ और पर्टिकुलर काम करना चाहिए, हम महाराष्ट्र में हैं, आपको महाराष्ट्र की हमसे बेहतर समझ है यकीनन हो सकती है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारे रूट में वो कौन सी जगह हैं जो हमें कतई मिस नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर हमें ज़रूर 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 वीडियो बनाना चाहिए, हमें सजेस्ट कीजिएगा, मेल कर सकते हैं, और कितने सारे तो हम यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, कितनी सारी जगह हैं, आप हमें कहीं भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बाकी टीमें भी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हरियाणा की दो टीम और हमारे अलावा महाराष्ट्र की एक और टीम, उनको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा क्या रह गया है? हाँ, ये तो बोल गया था, द शॉप, एक सेकेंड, शॉप डॉट द लल्लनटॉप डॉट कॉम, यहाँ पर जाके आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं।
और हमारा क्विज शो है वो तेज पे आ रहा है, आप उसको भी ज़रूर दीजिए, देखिए बहुत मज़ेदार है, कॉलेज लेवल का बहुत शानदार क्विज शो है, ठीक है। देखिएगा अब इतना वक्त दिया, इतना सारा, इतनी सारी बातें सुनी, बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा पता है एक ना हम जा रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात थी तो हमने सोचा इसको भी जोड़ देते हैं। पता है ये कुत्ता है, इनके घर का कुत्ता है, शर्मा जी का कुत्ता, और इसका नाम पता है क्या है? ट्विटर।